किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर एमपी मंडल, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सौकन्या वैज्ञानिक के पद पर पदस्थापित हूँ। आज मैं किसानों का उत्थान करने के लिए मैं ग्रो बैग के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये ग्रो बैग जो है ये किसान का सिर्फ उत्थान नहीं है, ये जो रिटायर्ड जो लकी है, आर्मी है, प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैं ग्रो बैग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे वो ट्रेस गार्डनिंग कैसे करें। उसके बारे में हम ग्रो बैग के बारे में, ट्रेस गार्डनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। और सिर्फ ग्रो बैग खरीदने से सिर्फ नहीं, उसको कैसे हम उसमें मिट्टी भरेंगे, क्या उसमें भरेंगे, मिट्टी भरेंगे, मिट्टी के साथ क्या क्या भरेंगे, तो उसके बारे में हम पूरा जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ। अब देखिए ग्रो बैग जो है, जैसे ई ग्रो बैग है, यही है बीडिंग पाइप, ये आप देख रहे हैं बीडिंग पाइप, यही है बीडिंग पाइप, इसको हम बीडिंग पाइप। और इसमें जो है ग्रो बैग में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ड्रेनेज सिस्टम, ये चार जगह ड्रेनेज सिस्टम है। अब और ये क्या है, यूवी प्रोटेक्टेड है, यूवी प्रोटेक्टेड मतलब कि सनलाइट का इस पर, इसके जड़ जो अंदर में होगा, कोई भी प्लांट का जड़ जो होगा उस पर सनलाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमेशा ये अंदर ठंडा रहेगा। और ठंडा जब रहेगा तो काफ़ी उसका ग्रोथ अच्छा होगा कोई भी प्लांट का। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसका जो लाइफ है, इसका लाइफ 12 से 15 ईयर्स इसका लाइफ है। तो अब देखिए इसमें जो है, यहाँ पर भी आप वीडिंग पाइप ऊपर में भी वीडिंग पाइप लगा हुआ है और नीचे भी लगा हुआ है, जिसके चलते क्या है कि ये जो हमेशा एकदम से आपका टाइट से ये खड़ा रहेगा। अब इसमें ध्यान क्या देना है, आप इस बैग में मतलब कि इस ग्रो बैग में, कि आप यहाँ पर यहाँ नीचे में जो है, आप कोई मतलब कि जो गिट्टी है या कोई कंकड़ छोटा छोटा गिट्टी है, एक परत इसमें आप डाल दीजिए। और डालने के बाद उस पर क्या है, एक मतलब कि जो जाली टाइप का आप उसमें दीजिए, जो कि गिट्टी के अंदर मिट्टी नहीं जाए। तो आप उसके बाद गिट्टी के ऊपर जो आप मिट्टी जो डालेंगे इसमें, उसमें वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद कोकोपीट, मिट्टी, थोड़ा सा सेंड, इप्सम, DAP वगैरह उसमें मिट्टी में मिलाकर इसमें डालिए। और उसके बाद जब तब क्या करें है कि ये जो बैग है, बैग जो है ऊपर से 10 सेंटीमीटर इसमें खाली जगह रखें, खाली जगह, क्या कि ज़्यादा नीचे मिट्टी नहीं होना चाहिए। अगर मिट्टी ज़्यादा नीचे होगा तो जड़ जो है कोई भी मतलब सब्जी का जो पौधा होता है तो उसको 10 से 12 इंच नीचे जाती है उसके जड़, तो ऊपर रहेगा तभी तो मतलब कि 10 से 12 इंच वो कवर करेगा। तो इसलिए इस तरह से आपको करना है। हम आज बताने जा रहे हैं सबसे जो बड़ा साइज है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए ये जो है 3 फीट मतलब कि जो है इसका ऊंचाई है और इसका 3 फीट इसका डायमीटर है। और इसी साइज में 36x36 है, 36 इंच इसका ऊंचाई है और 36 इंच इसका डायमीटर है। उसी तरह का एक और साइज है 30 इंच ऊंचाई और 30 इंच इसका डायमीटर। इन दोनों में हम क्या क्या चीज लगाएंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो इस साइज का जो बैग आप खरीदते हैं ट्रेस गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें मतलब कि इस तरह की साइज में आप हाइब्रिड मैंगो आप लगाएं, हाइब्रिड अमरूद लगाएं, अनार लगाएं, शरीफा इसमें लगाएं, सपोटा लगाएं, हाइब्रिड बेर लगावें जिसको प्लम कहते हैं, फिर नींबू लगावें इसमें, मौसमी लगावें इसमें, किनू जो कि नारंगी तरह का होता है उसको लगाएं, नीम का इसमें पौधा लगाएं, जामुन जो हाइब्रिड जामुन जो मिल रहा है बाजार में उसको लगाएं, अमला हाइब्रिड अमला जैसे NS7 नरेंद्र 7 जैसे है
उसको लगाएं फालसा एवं सीताफल, इतना तरह का पौधा इसमें आप लगा सकते हैं। अब इसको भी क्या करते हैं, इसका जो 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 भी पौधा आप लगाएंगे इसमें उसका ग्रोथ अच्छा से अच्छा हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें जो है मिट्टी भरते समय तो उसी प्रकार जिस तरह से हम बताए शुरू में कि इसके नीचे एक परत जो है करीब 2 इंच इसमें दीजिए, छोटा छोटा ईटा का टुकड़ा डालें चाहे गिट्टी डालें, एक परत बैठा दें नीचे में और उसके ऊपर एक जाली पर बिछा दें, महीन जाली जो कि मिट्टी अंदर नहीं जाए, और उसके बाद मिट्टी जो बढ़िया से पूरी तैयारी के साथ मिट्टी में रेड सैंड, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, DAP, पोटास, इप्सम साल्ट, नीम की खल्ली, सरसों की खल्ली वगैरह लकी मिलाकर इसको पूरी तरह से इसको लकी क्या करें आप भर दें, लकी ऊपर से 10 सेंटीमीटर आप खाली रखें। भरने के बाद डायरेक्ट इसमें पौधा नहीं लगावें, उसके बाद जब भर देते हैं तो क्या करें इस पर इसमें क्या करें कि उसको पानी से पूरा भिंगो दें, पूरा नीचे तक पानी, जो कि उसमें जो भी खाद वगैरह पड़ा है, भर्मी कंपोस्ट खल्ली वगैरह पड़ा है, सरसों की खल्ली, उसका जो गर्मी होता है, उसका जो मतलब कि गर्मी एक्शन होता है वो कम से कम फिर ठंडा पड़ जाए। उसके बाद कुछ दिन के बाद करीब 15 दिन 1 महीने के बाद इसमें प्लांट लगा दें, प्लांट लगाने के बाद उसका देखभाल करें, उसके बाद आपका काफ़ी ग्रोथ होगा, हाइब्रिड होगा तो फर्स्ट ईयर में जो आम लगाएंगे उसी साल आपका आम फलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें कि ये बैग जो है इसका लाइफ है 12 से 15 साल, तो ध्यान दें कि जिस डाली में आम अगर फल गया है उस डाली को सेकेंड ईयर वगैरह से काट देंगे और उसमें कॉपर सल्फेट का लगा देंगे जो कि इन्फेक्शन नहीं हो, और इस तरह से अगर आप उसका प्रूनिंग करते रहेंगे, छटनी करते रहेंगे तो आपका मतलब कि काफ़ी फल आएगा और उसका एनर्जी भी बना हुआ रहेगा। ज्यादा ब्रांच फैलने देंगे तो इसका उसका एनर्जी घटेगा पौधा का, जिसके चलते फल भी कम आएगा। तो इस तरह से मतलब कि आप 30x30 और 36x36 में आप इसका मतलब कि टेरेस गार्डनिंग छत पर आप कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि अगर इस तरह से आप खेती करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगी और आपका इसमें जो देखभाल जो भी करेंगे, मतलब बड़े बुजुर्ग मतलब कि घर में जो ऐसे बेकार पड़े हुए हैं उसको एक रोजगार मिल जाएगा, छोटा सा रोजगार मिल जाएगा, और एक्सरसाइज के रूप में इसमें रोज पानी डालना होगा, देखभाल करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो और इसका जो भी फल खाएंगे वो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिटेड होगा। तो किसान भाइयों एवं अन्य पदाधिकारियों से यही है कि आप टेरेस गार्डनिंग करें, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, इसका जो भी फल खाएंगे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता है। इसलिए किसान भाइयों आप ग्रो बैग को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और उससे थोड़ा घर का थोड़ा सा इनकम भी बढ़ाएं। तो अब इस ग्रो बैग को खरीदने के लिए आप संपर्क करें मोबाइल नंबर 7870569084 पर संपर्क करके, वहाँ से इस पता से इस मोबाइल नंबर से आप ग्रो बैग खरीदें और फ्रेश गार्डनिंग खूब अच्छी तरह से करें, जो कि घर की इनकम भी बढ़ेगा और सभी परिवार के सभी लोग इसका जो भी साग सब्जी फल वगैरह जो भी खाएंगे उसको खाने से आप लोग सभी स्वस्थ रहें। किसान भाइयों धन्यवाद।